Hello everyone, my name is Nandini Dhangar from class 6th. Today I am explaining science chapter 7 some topics, creepers and climber. यह एक प्रकार की बेल होती है. creepers and climber जो बेल होती है उसके two parts हैं. creepers मतलब जो बेल नीचे spread out होती है ground पे, मतलब ground पे फैली हुई होती है, उसे हम बोलते हैं creepers. climber, climber means चढ़ी हुई, तो जो बेल किसी स्ट्रक्चर के सहारे ऊपर चढ़ी हुई होती है उसे हम बोलेंगे क्लाइंबर. स्टेम, स्टेम जो शूट सिस्टम होता है उसका एक्सिस मतलब उसका आधार होता है, उसका मेन पार्ट जो होता है वो स्टेम होता है. स्टेम से ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर बर्ड्स एंड एक्सेट्रा निकले हुए होते हैं. नोड्स एंड इंटर नोड्स, नोड्स मतलब वो होते हैं जैसे कि एक स्टेम है उसमें से कुछ ब्रांचेस निकलती है तो उस पार्ट को हम नोड्स बोलेंगे. और एक स्टेम में से अगर टू ब्रांचेस निकल रही उसके बीच वाले एरिया को हम इंटर नोड्स बोलेंगे. एपिकल बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड, ये दोनों एक ही बात है. एपिकल और टर्मिनल एक ही मतलब इसका, जो प्लांट होता है उसका जो ऊपर वाला जो टिप होता है इसे हम एपिकल एंड टर्मिनल बर्ड बोलते हैं. इसका फंक्शन होता है कि यह हाइट बढ़ाने में, इसकी ग्रोथ में इसकी मदद करता है. थैंक यू.